सहना भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिशान्तिश्शान्तिः शान्ति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मेलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनपुनः भगवन्तौ पुनपुनः परम गुरु श्री शंकराचार्य जी के चरणों में हम लोग नमन करें उनसे आशीर्वाद लेवें उनकी जयंती पर उनके द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है हम लोग उस पर चल सके भगवान की कृपा से फिर से एक बार यह संयोग बना है कि हम लोग अध्याय सात का स्वाध्याय कर सकें जैसा मैं पहले भी कह रहा था इस पोस्ट में जिस वातावरण में अभी हम लोग जी रहे हैं वो नकारात्मकता से भरा हुआ है इस समय हर जीव परेशान है तो सकारात्मकता का प्रवाह कैसे किया जाए ऐसा एक सोचने को मन विवश होता है मुझे जो समझ में आई क्रियाओं के माध्यम से बहुत ज्यादा कुछ है। क्या कहना चाह रहे हैं क्रियाओं के माध्यम से सकारात्मकता संदेह है कि जब तक क्रिया का संपादन होता है तब तक तो व्यक्ति सकारात्मक बना रहता है लेकिन उसके बाद फिर से उसके दिमाग में वही नकारात्मकता आ जाती है मुझे जो संतों से सुनने पर प्राप्त होता है यदि हमारे चिंतन की दिशा बदल जाए बुद्धि बदल जाए मैं मन नहीं कह रहा हूं सोचने की दिशा बदल जाए विचारों के क्रमों को थोड़ा नियंत्रित कर लिया जाए अच्छे विचारों से तो सकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है हम पॉजिटिव कुछ देर तो कम से कम रह ही सकते हैं इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग तीसरा अध्याय देख चुके चौथा अध्याय देख चुके शायद पांचवा और छठा भी देख चुके अब जो अध्याय का क्रम है वो है अध्याय सात इस अध्याय सात का प्रारंभ करने के पहले इसको अध्याय छह से क्या करें जोड़ें कि आखिर अध्याय सात की आवश्यकता क्यों है प्रश्न बीज उपन्य स्वयं ईदृश मदीयम तत्व एवं मदगत मदगत अंतरात्मा इति तीवक्षु ये सातवें अध्याय की संगति है जिन लोगों ने नहीं सुना है मैं संक्षेप में उनके सामने एक थोड़े समय में रूपक रखने का प्रयास करता हूं अभी तक के अध्यायों की संगति लगाते हुए हमारे स्वामी जी इस बात को हर गीता के प्रवचन में कहते रहे और सभी संतों का प्रबुद्ध संतों का ये मानना है की गीता पूरी समस्त गीता को जी समस्त गीता को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है समस्त गीता मतलब अध्याय एक से लेकर अध्याय अठारह तक तो इसके तीन गुच्छे बनते हैं एक गुच्छे का नाम है अध्याय एक से अध्याय सात दूसरे गुच्छे का नाम है अध्याय आठ से अध्याय बारह और तीसरे गुच्छे का नाम है अध्याय तेरा से अध्याय अठारह ये, ये पढ़ने का क्रम ये होना चाहिए एक से सात अध्याय एक से सात से बारह और तेरह से अठारह अब प्रारंभ करें अध्याय एक से अध्याय सात तक जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या दिया गया अर्जुन विषाद योग ये सभी को परिचित होगा पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग तो एक से छे तक अध्याय तक भगवान ने जिस विषय की पूरी व्याख्या की है एक शब्दों में कहा जाए एक से छह तक जिस अध्याय की व्याख्या की है वह बोलते हैं त्व पद की व्याख्या की है आपने ब्रह्म वाक्य सुना होगा तत्वसी एक से छे अध्याय तक त्व पद की व्याख्या है पद की व्याख्या मतलब मैं कौन हूं हम देखो यहां से थोड़ा समझिए अर्जुन यह जो अध्याय प्रारंभ हुआ एक वो एक प्रश्न से प्रारंभ हुआ और अर्जुन अपने कर्तव्य के बारे में क्या हो गया है मोहित हो गया है क्या मोहित हो गया है मैं युद्ध करूं कि मैं युद्ध नहीं करूं यही एक प्रश्न है सिर मैं युद्ध करूं कि मैं युद्ध नहीं करूं और वहां पर एक शब्द आया है धर्म समूढ़ चीता इस प्रश्न के परिणाम स्वरूप उसके चित्त में विषाद आ गया है। अब बहुत इसको अच्छे से समझे इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया क्या हमारे जीवन में विषाद नहीं है अच्छा हमारे जीवन के विषाद को अर्जुन के विषाद से थोड़ा तुलना कर लें क्या एक ही, ही है कि कुछ अंतर है विषाद मतलब कोई अंतर दिखता है क्या कहेंगे क्या अंतर दिखता है हाँ हाँ जी अर्जुन का विषाद और हमारे विषाद में जमीन आसमान का अंतर है जरा देखें अपने अच्छे हमारे विषाद का कारण क्या है हमारे विषाद का कारण एक है हमारी चीजें अनुकूल नहीं हो रही हैं क्या अनुकूल नहीं हो रही घर ठीक नहीं है परिवार ठीक नहीं है पैसा ठीक नहीं है परिस्थिति ठीक नहीं है ऐसा कह लें जैसा इन्होंने कहा हमारे विषाद का एक ही कारण है कि परिस्थिति ठीक नहीं है यही हुआ ना हमारे विषाद का कारण एक ही है कि परिस्थिति ठीक नहीं है है ना और उसके सुधार के लिए हम परिस्थिति को ही बदलना चाहते हैं यही हो रहा है जीवन भर यही करते चले आ रहे हैं कि एक परिस्थिति को बदल दें फिर दूसरी परिस्थिति ले आए दूसरी खराब हो गई तो तीसरी ले आए ये हमारा विषाद है लेकिन अर्जुन का विषाद एकदम भी ऐसा नहीं है हम लोगों का जो विषाद है वो परिस्थिति का है और अर्जुन का जो विषाद है ना वो कर्तव्य का विषाद है उसकी भी व्याख्या के करेंगे इन दोनों में अंतर क्या है जैसा हम लोगों को विषाद होता है ऐसे अर्जुन को विषाद नहीं है तो मैंने आपसे कहा हमारे विषाद में तो ये हो गई कि हमारे मन को चोट लग गई हमारी बुद्धि को चोट लग गई हमारे पास धन नहीं है ऐसा ऐसा दुख हमारे जीवन में है ध्यान रखें अर्जुन का ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है अर्जुन का विषाद व्यक्तिगत प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर कतई नहीं है ये, ये, ये टैग लाइन है इसको याद रखना चाहिए अर्जुन के विषाद का कारण पहली बात तो व्यक्तिगत हम लोग तो अपने व्यक्तिगत जीवन से ही दुखी हैं पड़ोसी को क्या हो वो तो बाद के बाद जाने उसको क्या हो रहा है वो तो वो जाने बोले अर्जुन का ऐसा विषाद का कारण नहीं है और उसके का उसके विषाद का कारण प्रतिकूल परिस्थिति भी नहीं है अर्जुन का विषाद है धर्म समूढ़ चेता अर्जुन यह समझ पाने में असमर्थ है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है अच्छा हमारे और आपके सामने ऐसा कहां विषाद है मेरे ख्याल से अंतर आया होगा ना हम किस बात से दुखी हैं ये छोटी छोटी चीजों से अर्जुन इसके कारण नहीं दुखी है अर्जुन के दुखी होने का कारण है हा क्या धर्म है और क्या अधर्म है इसलिए एक शब्द भगवान ने अध्याय में बोला धर्म सम्मूढ़ चेता मेरा जो चित्त है वो सम्मूढ़ हो गया है भ्रमित हो गया है कि क्या धर्म है और क्या मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा एक बात है इस शब्द से ही देखो कितनी चीजें निकलती धर्म सम्मूढ़ चेता उसी व्यक्ति के मन में होगा जिसके मन में एक एक समीकरण यह बैठा होगा कि यदि मेरे जीवन में अधर्म का पालन हो गया तो मुझे पाप लगेगा मैं फिर से दे रहा था धर्म और अधर्म संबंधी प्रश्न के बीज का उदय किस अंतकरण में हमें तो ये बात समझ में नहीं आती हो गया धर्म या हो गया धर्म क्या फर्क पड़ता है अर्जुन के मन में यह प्रश्न तभी है जब उसके मन में एक संगति बैठ चुकी है कि कहीं मेरे जीवन में अधर्म का पालन ना हो जाए क्योंकि हाँ अर्जुन को यह पता है कि अधर्म करने से जीवन में पाप का उदय होगा और पाप का उदय होगा तो अंतःकरण मलिन हो जाएगा जो जो इस व्यक्ति का अंतःकरण इतना सेंसिटिव कि वह सदैव सोचता है कि मेरे जीवन में किसी भी तरीके से अधर्म का आचरण न होवे या ऐसा सरल शब्दों में कह लें वह धर्म प्रेमी होवे उसी के मन में ये प्रश्न का उदय होता है तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हुआ होगा उसको किसी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ से वो भी सुख दुख से उसका लेना देना नहीं है इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है भगवान कहीं मैं युद्ध में अधर्म का पालन तो नहीं कर रहा हूं कहीं मैं अधर्म के पक्ष में तो नहीं खड़ा हूं ऐसा अर्जुन का प्रश्न है और ये भी कहता है मुझे कितनी भी हानि उठानी पड़े देख लो ये अधर्म मैं वो सबकी सब, सब हानि उठा लूंगा लेकिन मैं अधर्म का पालन नहीं करूंगा एक ही शब्द से पता लगता है अध्याय एक में मैं कर्तव्य के पालन में धर्म के पालन में यदि हानि भी हो जावे तो मैं हानि को उठाने को तैयार हूं ऐसा कितने लोग सोचते होंगे और हानि कहां तक वो उठाने को तैयार है जोखिम क्या बोलता है श्रेयो भोग तुम भैक्षम लोके। ग्रंथ है नहीं देख लो किताब नहीं लेके बैठे बहुत सुंदर छोटी में भी गीता ही है गीता ही होगी इसमें भाई पहले अध्याय देखिए श्रेय भोग तुम भैक्षम अपी इन लोके मुझे भिक्षा मांगकर जीना पड़े तो मैं जी लूंगा लेकिन मैं अधर्म का पालन नहीं करूंगा कितनी बड़ी बात है मैं भीख मांग लूंगा लेकिन मैं अधर्म का पालन नहीं करूंगा ऐसे अर्जुन का देखो ये विश्वास है इसलिए अर्जुन का यह विषाद है भगवान आपने ये बीच में खड़ा कर दिया मैं क्या करूं कहीं मेरे मारने से ये अधर्म का पालन तो नहीं हो जाएगा मैं बार बार कह रहा हूं ये पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है मेरे आचरण से अधर्म का पालन तो नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं अधर्म करने से डरता हूं कोई कहेगा महाराज धर्म का पालन करना पड़ेगा तो तुमको भुगतना पड़ेगा हाँ मैं भुगतने को तैयार हूं ओ तैयार हो कितना भुगतूंगा भय भोग तुम भैक्षम भिक्षम मतलब भिक्षा लोके इस लोक में मैं भीख मांगने को चुन लूंगा भोग विलास सब छोड़ने को मैं तैयार हूं देखो महाराज ये बहुत ऊंचे तपते का विषाद है अब मेरे ख्याल आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि अर्जुन के विषाद में और हमारे विषाद में क्या अंतर है अच्छा भाई अब एक चीज और है ये कई बार मैंने आपके सामने रखी होगी अगर वह विषाद फिर से सावधानी से अगर वह विषाद भगवान से जोड़ दे विषाद हां विषाद वह विषाद से शरणागति बन जावे हो वो, वो विषाद से भक्ति बन जावे उस विषाद से मैं भगवान के प्रति और जुड़ जाऊं किससे विषाद से तब समझ लेना ऐसे विषाद को विषाद योग कहते हैं इसका दूसरा हिस्सा भी है कई बार विषाद आने से चित्त नास्तिकता की ओर भी बढ़ने लगता है दोनों चीजें जीवन में इतना दुख आया कि अब हमारा उस ईश्वर से उस प्रभु से विश्वास ही हटने लगा अब लगता है धर्म का पालन करने से कुछ नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है कई बार अपराधियों की कथा सुने तो उसमें यही आता है ना कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गट गई तो उन्होंने बोला कि अब से मैं अधर्म का ही पालन करूंगा यदि जीवन में वह दुख और यह भी इसके साथ ऐसा अच्छा जोड़ दो एक टिप है कभी भी अपने दुख को जगत के सामने मत रखिए ये भी सीख ले लें तो अच्छी बात है अपने विषाद को दो लोगों के सम्मुख रखिए दो लोगों के सम्मुख तीसरा नहीं या तो विषाद को भगवान के सम्मुख रख दें, सदगुरु के सम्मुख रख दें यदि वो आपका सदगुरु हो तो या तो उस विषाद को भगवान के सम्मुख रख दीजिए दो ही लोग हैं फिर से कह रहा हूं जीवन में विषाद तो अवश्य ही होगा विषाद मुक्त जीवन नहीं है भी किसी का अब प्रश्न है वह विषाद भगवान के सामने रख दिया जाए सदगुरु के सामने रख दिया जाए तो ऐसे को विषाद योग कहते हैं क्या हम अपने विषाद को विषाद योग की संज्ञा दे सकते हैं निगेटिव और हो गए डिप्रेशन में और आ गए वाणी अलग गलत निकलने लगी दृष्टि अलग गलत हो गई इंद्रियों में झुंझुलाहट है तो समझ लेना गलत है विषाद भगवान की शरणागति का विषाद प्रपत्ति का कारण बन जाए और कहें विषाद कहीं गुरु से मिला दे विषाद गुरु से भी मिलाता है संतों से भी मिलाता है विषाद गुरु से मिला दे तो उसको क्या बोलते हैं विषाद योग भाई योग मतलब क्या हुआ जुड़ना तो विषाद के कारण सदगुरु की प्राप्ति हो गई विषाद के कारण ईश्वर की प्रपत्ति की प्राप्ति हो गई तो ऐसा ऐसा योग क्या कहलाएगा विषाद योग अच्छा दूसरा भी होता है इसलिए वह विषाद योग नहीं है अच्छा अब अर्जुन के साथ थोड़ा देखो अर्जुन और कृष्ण में सखा भाव था सखा भाव मतलब मित्र भाव था बहुत पुराना मित्र भाव था लेकिन शिष्य और गुरु का संबंध नहीं था शिष्य और गुरु का संबंध नहीं था गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बना यह अच्छी बात है सामान्य इस पे नहीं बना हाँ, कहीं सुना रहा था आहार शयासन भोजनेशु हे कृष्ण हे यादव हे सखेती महाराज उन्हीं के बिस्तर पे सो जाता था उनके बर्तनों में खाना खा लेता था उनके सिर पे हाथ रख देता था ये मित्रता की पहचान है और उस अर्जुन को बड़ा अफसोस हुआ ओहो कि ये मैंने क्या किया अजानताम महिमानम मैं आपकी महिमा को भगवान नहीं जानता था अर्जुन ने बोला ये बात अच्छा। हम शिष्यम प्रपन्नम् प्रपन्नम ये, ये है ये भी अध्याय शिष्य हम भगवान यह विषाद आ गया है इस विषाद के कारण मैं आपको अपना जीवन क्या करता हूं देता हूं शिष्य मैं शरणागति स्वीकार करता हूं प्रपन्नम मैं आपके क्या आता हूं शरणागति आता हूं देखो ऐसा मनोविज्ञान कहता है कि कई बार जब हमारे जीवन में बड़े जो लोग होते हैं तो बड़ों की उदारता के कारण उनके बढ़पन के कारण कहें हमारे मन में उनके प्रति सखा भाव बन जाता है सका भावी नहीं बनता संरक्षण के कारण चित्त में आश्रय भाव भी पैदा हो जाता है कि ये मेरे जीवन के आश्रय हैं ये भी हो सकता है मेरे संरक्षक हैं मेरे गार्जियन हैं मेरे प्रोटेक्टर हैं ये भी भाव जाग सकता है लेकिन शिष्य भाव पैदा नहीं होता है ना शिष्य भाव पैदा नहीं होता गार्जियन भाव पैदा हो सकता है प्रोटेक्टर भाव पैदा हो सकता है लेकिन ज्ञान तो तभी जीवन में आएगा जब चित्त में क्या भाव हो शिष्य भाव हो और अर्जुन के मन में इस विषाद के कारण हां मन में शिष्य भाव का भी आगमन हुआ हालांकि वो कम और ज्यादा होता रहता है तरतम भाव ये पहला अध्याय आपने देखा इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया अर्जुन विषाद योग तो अर्जुन के इस विषाद के कारण हाँ, उसको गुरु की प्राप्ति हो गई विषाद उसके जीवन का व्यक्तिगत नहीं था समाज के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा दे गया अच्छा अब एक और विषय देख लीजिए आगे बढ़ते हैं दूसरे थे जब भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भगवान ने जो उत्तर दिया वो ये था अर्जुन कर्तव्य को बहुत सावधानी से सुनिएगा कर्तव्य की ओर ध्यान मत दो याद आधा ही वाक्य मत सुनिएगा कर्तव्य की ओर ध्यान मत दो जिसका यह कर्तव्य है उसकी ओर ध्यान दो क्या कहा गया जिसका यह कर्तव्य है वो कौन है कर्ता कर्तव्य की ओर मत देखो कर्तव्य का विश्लेषण मत करो कर्ता का विश्लेषण करो तो कर्तव्य अपने आप ही समझ में आ जाएगा देखो आप कर्तव्य को अगर आप सॉल्व करने चलोगे तो एक दिन में हजारों कर्तव्य आते हैं जो हमको भ्रमित करते हैं हजारों कर्तव्य आते हैं जो भ्रमित करते हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं एक उपवास रखना हो चाहे, एक उपवास रखना हो तो क्या खाएं क्या ना खाएं तो रात से क्या करें तो सुबह क्या करें फिर उसको कैसे तोड़े न जाने कितने कर्तव्य लेकिन एक चीज मन में आ जाए मैं भक्त भाव से कर रहा हूं मुझे उपवास में न खाना प्रमुखता नहीं है भाव की उत्पत्ति प्रमुखता है यह अगर आ जाए तो आपके कर्तव्य क्या हो गए सब गए तो फिर से ये, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है अर्जुन कर्तव्य के बारे में मत सोचो जिसका यह कर्तव्य है किसका यह कर्तव्य है कर्ता का उस कर्ता के बारे में जानो कर्तव्य का संबंध कर्ता से होता है देखो जी ये कर्ता कौन है इसको समझने की आवश्यकता है कर्तव्य के बारे में मोहित मत हो ये तो दिन भर आता और जाता रहता है इसका मतलब भगवान कर्ता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं भगवान मूल पर चोट करते हैं क्या चोट करते हैं जिसका ये कर्तव्य है अर्जुन मैं इस मैं के बारे में जानू ये दूसरा अध्याय जिसका ये कर्तव्य है किसका कर्तव्य है मेरा मैं इस मैं के बारे में खोजो क्या तुम क्वेश्चन है क्या तुम मैं को जानते हो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या तुम मैं को जानते हो अरे बोले महाराज मैं तो क्या मैं को नहीं जानता हूं मैं मैं हूं ना 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 जो शास्त्र मैं के बारे में कहता है क्या वो तुम्हारी अनुभूति है मैं के बारे में बोले महाराज ये शास्त्र मैं के बारे में क्या कहता है शास्त्र क्या कहता है नवेवाहम जातुनासम नेमे जनाधिपाह ऐसा कभी पहले नहीं था कि तुम नहीं थे ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होगे, हो तुम तो अजर अमर हो कौन कौन मैं क्या ऐसी अनुभूति है तुम्हारी और बता देता हूं शास्त्र कहता है मैं के बारे में क्या यह अनुभूति है न वा न भूयः तुम्हारा जन्म नहीं है तुम्हारा मरण नहीं है तुम तो ब्रह्मो क्या तुम्हारी ये मैं के बारे में अनुभूति है जो शास्त्र कहता है अब चक्कर में फंसा जो मैं मान के बैठा हूं और शास्त्र से जब अनुभव मिलाता हूं तो ये अनुभव मिलता नहीं है हंतारम ये सब श्लोक हैं जो याद किए होंगे तो आपको स्पष्ट आ जाएंगे दिमाग में ये एनम वेत्ती हंतारम यश्चैनम मन्य हतम न तो तुमको कोई मार सकता है न तो तुम मर सकते हो ये किसके बारे में मैं के बारे में देखो असल में अर्जुन इसी को मैं कहते हैं और अगर तुम नहीं जानते हो उभ तो नीजानी तो अगर तुम नहीं जानते हो प्रयत्न करने पर भी इस सत्य का अनावरण नहीं कर पा रहे हो तो भगवान ने एक सीधी सरल बात कही तुम कोशिश करो साधनों के जरिए से मैं को जानने की कोशिश करो लेकिन पता है हम लोग उस मैं को नहीं जानते जो शास्त्र कहता है तो क्या करें भगवान इस मैं को जानने के लिए तीन साधना करो ले। कितना कितना लिस्टमेटिक देखो चिंतन है कर्तव्य के बारे में ना जानो कर्ता के बारे में जानो सब निर्णय हो जाएगा कर्तव्य का कर्ता एक है कर्तव्य अनेक है एक ही परिस्थिति में कर्तव्य अनेक हो सकते हैं जीवन भर में देख लो आप लेकिन हम कर्ता क्या बने है? एक पहले अच्छा इस कर्ता के बारे में पहले निर्णय कर लो कर्ता के विवेक से कर्तव्य का विवेक स्वतः ही हो जाता है इसको नोट कर लें खूब सोच लें विचार कर लें कर्ता के विवेक से कर्तव्य का निर्णय स्वयं हो जाता है अर्जुन इसलिए तुम कर्ता का निर्णय करो क्या निर्णय करूं? तुम्हारी अपनी कर्ता के बारे में क्या समझ है जो समझ है वह शास्त्र के जो समझ है उससे एक रूप होती है बोले वो तो नहीं होती महाराज तो बोले ऐसा करो साधना करो क्या साधना करू आत्मा वारे व्रोतव्य वा मंतव्य निधिध्याव्य इस आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हाँ, इस आत्मानुभूति के लिए हाँ, श्रवण करो मनन करो ध्यान करो ये तीन साधनाएं। श्रवण करो मनन करो और ध्यान करो किसके लिए इस आत्मानुभूति के लिए हो गया जब तक कि तुम्हारा निर्णय यह ना पहुंच जाए यह सब करते रहो ऐसी समझ पैदा करो तो तो ये जो पहला विषय भगवान ने चुना वह क्या चुना मैं का स्वरूप क्या है उसका अनुसंधान होना चाहिए अब देखो अगर मैं वैसा अनुभव नहीं करता हूं तो भगवान बोलते हैं तुम कुछ साधनों का अनुष्ठान करो अगर ये साधना भी नहीं कर पा रहे हो तो पहले एक काम करो मानो कि अर्जुन ने पूछा भगवान मुझे थोड़ी सरल साधना बताइए कि मैं क्या करूं मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं अध्याय एक आ गया अध्याय दो आ गया मुझे सरल साधन बताइए अच्छा याद रखना सरल साधन क्यों बताएं उद्देश्य क्या है उद्देश्य क्या है साधन का मैं को समझ जाऊं कौन से मैं को? जो तुम्हारा मैं है और जो शास्त्र कहता है दोनों क्या हो जाने चाहिए एक हो जाने चाहिए इससे भी क्या होगा जब तुम मैं को जान लोगे तो कर्तव्य अपने आप ही समझ में आ जाएंगे तो कौन सी सरल साधना तो भगवान ने दो प्रमुख सरल साधन बताए हैं एक का नाम रखा है कर्म योग और एक का नाम रखा है सांख्य योग स्पष्ट हो गया कौन से साधन बताए योग और सांख्य अच्छा अगर मैं करता हूं और मुझे करता होने में कोई संदेह नहीं है मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं खूब प्रबल करता समझ रहा हूं तो भगवान कहते हैं ऐसा करो तुम अभी ज्ञान के अधिकारी नहीं हो क्या करो पहले कर्म योग करो जाओ किस व्यक्ति के लिए कहा किस व्यक्ति के लिए कहा जिसके अंदर कर्तृत्व तो भाव क्या है बहुत प्रबल है मैंने किया मैंने किया ये मैं हूं ये मैं हूं व्यवहार में भी जो समस्या है वो मैं के कारण ही है ये मैं के कारण ही है तो एकदम भगवान ज्ञान के लिए नहीं कहते ऐसे व्यक्ति को ज्ञान समझ में भी नहीं आएगा पहला काम करो इस मैं को थोड़ा शिथिल करने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करो स्पष्ट हो गया कर्म योग आपको कई बार बताया बताया जा चुका है करने वाला मैं नहीं हूं करने वाला कोई और है उसकी प्रेरणा से उसकी प्रीति से उसकी शक्ति से मैं कर रहा हूं ये हो गया कर्मयोग अच्छा दूसरा भी रास्ता है देखो जब ऐसा करते करते तुमको यह संदेह होने लगे क्या संदेह कभी तो लगता है कि मैं करता हूं कभी तो लगता है कि मैं नहीं करता वाह देखो तो किसी बीच की स्थिति इसमें भी देखो कितना अंतर है। एक व्यक्ति को सदैव ही ये लगता है कि मैं ही करता हूं हंजी? और एक व्यक्ति को कभी तो लगता है कि मैं करता हूं और कभी यह अनुभव होता है कि कोई और करता है जब ऐसा लगने लगे मैं के सोचने में दिक्कत आने लगे चिंतन सहज फिर होने लगता है तब समझ लो तुमको कौन सा मार्ग प्रवेश करना चाहिए सांख्य योग कब प्रवेश करें जब कभी लगे कि मैं कर्तृत्व मैं करता हूं और कभी लगता है कि मैं तो नहीं करता हूं मुझसे तो करवा लिया जाता है इसका मतलब मैं के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उसने क्या कर दिया लगा दिया तो देखो कर्म योग कौन हो गया और सांख्य योग कौन हो गया दो योग बताए भगवान ने मैंने क्या बोला एक कर्म योग और एक सांख्य योग एक बात अच्छा और समझते सांख्य मतलब क्या बड़ा प्रश्न बार बार कहीं उठाते हैं जो सांख्य शब्द है पहले ख्या धातु है ना सांख्य ख्य। इसी से व्याख्यान आख्यान क्या शब्द से क्या मतलब कहना जब किसी चीज को किसी विषय को अच्छी प्रकार से कहा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं सांख्य क्या मतलब कहना सम्यक रूपेण व्याख्यायते अनया जब किसी को सम्यक टोटल अच्छी ढंग से रखा जाता है बहुत अच्छी ढंग से कहने में व्यक्ति समर्थ होता है जनरली हम इसको क्या बोलते हैं पता है संख्या को क्या बोलते हैं नंबर नंबर मतलब क्या नंबर मतलब एक्जेक्ट सीक्वेंस इसको बोलते हैं नंबर इसी से क्या बना है सांख्य। जब चीजें इतनी स्पष्ट बोली जाएं क्रम से बोली जाएं एरर फ्री बोली जाएं तब ऐसे व्याख्यान को क्या बोलते हैं सांख्य स्पष्ट हो गया अच्छी प्रकार से बोला जाए जिसमें एरर ना हो जिनमें कंफ्यूजन ना हो जिनमें सीक्वेंस हो उनको क्या बोलेंगे सांख्य इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप जब आप चिंतन स्टेप बाय स्टेप करते हैं या भूलते हैं तो किसी को अच्छी तरीके से क्या हो जाती है बातें समझ में आ जाती हैं इसको बोलते हैं सांख्य तो हम किस अध्याय तक आ गए अध्याय एक भी हो गया अध्याय दो हो गया तीसरा अध्याय क्या हो गया सांख्य दूसरा सांख्य तीसरा कर्मयोग ठीक है कल इस पे प्रवेश करते हैं छठे अध्याय में छठे से फिर सातवें की संगति लगाएंगे ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ